भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी T20 मुकाबले में धुआंधार बल्लेबाजी की है। दो शुरुआती झटके लगाने के बाद मैदान पर कदम रखने वाले इस तूफानी बल्लेबाज ने देर दनादन छक्के जमाते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी ठोक टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी भारत ने कप्तान की शतकीय पारी के दम पर 7 विकेट पर 201 रन का स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज के आखिरी मैच में बराबरी करने उतरे थे। पहला मैच बारिश से धुला था जबकि दूसरे मुकाबले में हार मिली। तीसरे मैच में टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को 2 शुरुआती झटके लगे, लेकिन कप्तान की शतकीय पारी ने टीम को मुश्किल से निकालकर 200 रन के पार पहुंचाया। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के T20 में जमाए 4 शतक के रिकॉर्ड की सूर्य कुमार यादव ने बराबरी कर ली है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे सूर्य कुमार यादव ने महज 32 गेंद पर 5 छक्के और 2 चौके की मदद से पहले 50 रन बनाए। इसके बाद अपने ही आक्रामक अंदाज में गेंदबाजों की पिटाई करते हुए सेंचुरी ठोक दी। 55 गेंद पर 7 चौके और 6 छक्के जमाते हुए उन्होंने अपनी यह सेंचुरी पूरी की। इंटरनेशनल क्रिकेट T20 फॉर्मेट में अब सबसे ज्यादा 4 शतक लगाने वाले बैटर की लिस्ट में सूर्य कुमार यादव का नाम शामिल हो गया है। सबसे पहले यह कारनामा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने हासिल किया था। उसके बाद भारत में खेले गए हालिया सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने शतक जमाकर इस रिकॉर्ड की बराबरी की। अब सूर्य कुमार यादव के नाम भी 4 T20 शतक हो गए हैं।